ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिके। मुखं करति वाचालं पंगलं हते गिरिं, यत्कृपा तमं वंदे श्रीगुरुन दिनतारिणम्, परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतावतारं, अपार संसार समुद्र सेतु भजा महाभागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 23। अहम् हि पृष्टो यर्मनो भवद्भिः, चक्षात्मा भगवत्त्रयावान्, नभ पतन्तात्मसमं पतत्रिं तथा समं विष्णु गतिं विपश्चिता। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी दूरी तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तात्पर्य, परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार साकार तथा अंतर्जामी है। अपने निराकार पक्ष से हुए सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो अपने अंतर्जामी स्वरूप से परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं। और अपने परम साकार रूप से हुए अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेमयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्रील शुद्ध गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वो उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं और उनके विद्वान भक्त भी उनका वर्णन नहीं कर उतना ही वर्णन कर सकते जितने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये जो हमारा श्लोक है, आज का श्लोक, शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि भगवान जो है अनंत है। अर्थात उस दिन मैं क्लास में बोला कि जैसे सागर है, सागर की गहराई को कोई नहीं माप सकता, सागर को कहा जाता अनंत विशाल। उसी प्रकार भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कथा है, भगवान जो है अनंत है। तो अनंत को कोई साधारण एक जीवात्मा बोल के खत्म नहीं कर सकते। अनंत देव अनंत मुख से उनका लीला कथा वर्णन कर रहे हैं अनंत काल से, फिर भी आज तक खत्म नहीं कर पाए। इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए इसीलिए अनेक भक्तों से सुनना पड़ता है। भगवान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो मुझे पता है हो सकता है कोई दूसरे भक्त को ना पता है, जो उनके पास जो ज्ञान है वो मेरे पास ना हो। इसीलिए हरि कथा हरि के भक्तों से सुनना चाहिए, सभी भक्तों को सम्मान देना चाहिए, सबसे सुनना चाहिए, ठीक है? तो क्या होगा, भगवान का साक्षात्कार। इसीलिए कहा जाता साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कोई लभ मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग इसीलिए
शब्द आया है। ऐसे में तो घर में कोई किताब पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, किंतु जब तक वो साधु संग नहीं करता, जब तक वो भक्तों का संग नहीं करता, तब तक उनके अंदर जो गुण है वो गुणावली उनके अंदर नहीं आता। और गुणावली जब डेवलप होगा तभी वो भगवान से प्रेम कर सकते हैं। जो भक्त होते हैं वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो कृष्ण से प्रेम करते हैं तो सिर्फ कला जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, कैसे प्यार करना, हृदय में वो भाव भी होना चाहिए। तो हृदय में वो भाव कैसे आएगा? हृदय में वो भाव आएगा जब ऑलरेडी जो शुद्ध भक्त होते हैं ऑलरेडी कृष्ण से प्रेम करते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं ऑलरेडी वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो जब हम लोग उनका संग करते हैं तब उनका प्रेम हमारे हृदय में भी ट्रांसफर होता है कि कैसे उनको प्रेम करना। और मनुष्य जीवन की सिद्धि जो है ना, ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। यद्यपि बारंबार ये सब चीज रिपीटेडली बोलना पड़ता है, क्योंकि यही है सार, क्योंकि यही हमारा अंतिम सीमा है, हम लोग अंतिम छोर में हैं। अरे करंट चला गया।